What's up guys, और आपका स्वागत है रेलवे के एक और एपिसोड में। आज हम लोग देखने वाले हैं बेस्ट 5 आरओ के मोटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 5 पे जगह बनाई है AQNQ कंपनी के बूस्टर पंप ने। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। AQNQ बूस्टर पंप्स जो है बहुत पुरानी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग में पंप्स के, बूस्टर पंप्स के और आरओ बूस्टर पंप्स के। और दोस्तों AQNQ की खासियत यह है कि बहुत सारे ब्रांडेड कंपनीज को वो सप्लाई करती है और उसका परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा है। जो प्रेशर जो जनरेट करती है वो बहुत अच्छी है और उसकी लाइफ भी बेहतरीन है। लेकिन नंबर 5 पे हमारे काउंटडाउन पे उस पे जगह बनाई। नंबर 4 कमिंग अप दोस्तों। नंबर 4 पे जगह बनाई है ईचेन कंपनी ने। ईचेन एक बेहतरीन कंपनी है, अभी अभी मार्केट में आई हुई है और उसके प्रोडक्ट्स जो है बूस्टर पंप्स बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ एज वेल एज प्रेशर जनरेशन। और जो कंटिन्यूटी है प्रेशर में वो भी बेहतरीन दे रही है। तो AQNQ के बारे में जो स्पेक्स है आप यहाँ देख सकते हैं और वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। और ये पंप जो है जो कंटिन्यूस प्रेशर मेंटेन करने में कामयाब है और बहुत सारे जगह पे ये देखा जा चुका है। नंबर 3 कमिंग अप। नंबर 3 पे दोस्तों जगह बनाई है हाईटेक कंपनी के बूस्टर पंप्स ने, जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत ही कम रिजेक्शंस और जो प्रॉब्लम्स है हेड के बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो नंबर 3 पे जगह बनाई है हमारे हाईटेक कंपनी के पंप्स ने, जिसके स्पेक्स आप यहाँ देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एज वेल एज लॉन्ग लास्टिंग एंड परफॉर्मेंस और हेड की लाइफ सब, इसलिए इसे हम 3rd नंबर पे रखते हैं। नंबर 2 कमिंग अप दोस्तों। नंबर 2 पे जगह बनाई है BNQS ने, जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में बहुत ही अच्छा लाइफ दे रही है। और दोस्तों BNQS ने बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू कैप्चर कर ली है और इसके अंदर जो बहुत जल्दी जल्दी सप्लाई के इश्यूज की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में डुप्लीकेसी आने की वजह से कहीं कहीं BNQS का नाम खराब होने की प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन BNQS जो है असली प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत ही अच्छा प्रेशर मेंटेन करता है और उसके हेड लाइफ और पर्टिकुलरली पंप की लाइफ भी बहुत बेहतरीन है। और इस पंप को आप चला सकते हैं 24 वोल्ट पे, जो कंपनी रेकमेंड करती है, और ये पंप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अवेलेबल भी हो जाता है मार्केट में। नंबर 1 कमिंग अप दोस्तों। नंबर 1 पे जगह बनाई है सबसे बेहतरीन कंपनी ने, जिसका नाम है कैम्फ्लो, जो बहुत ही बेहतरीन पंप्स बनाती है। एज ओल्ड कंपनी है, बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है और कैम्फ्लो के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसका हेड बहुत ही बढ़िया है। बहुत ही कम ऐसे पंप्स मैंने देखे हैं कैम्फ्लो के जिसमें हेड खराब हुआ हो या फिर कोई प्रॉब्लम आई हो। कैम्फ्लो एक बेहतरीन पंप है क्योंकि वो प्रेशर भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटेन करता है और उसकी लाइफ इन टर्म्स भी बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए हमारे वीडियो पे नंबर 1 पे जगह बनाई है कैम्फ्लो ने। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए एक बेहतरीन पंप आपको चाहिए होगा तो इन पंप्स में से आप कोई भी एक पंप ले सकते हैं। टॉप से लेके जो नीचे तक जा रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हम लोग जो है BNQS को देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो है उसका यूज़ ज़्यादा होता है। जो अच्छे कंपनीज हैं वो कैम्फ्लो भी प्रेफर करते हैं और बहुत सारे कंपनीज हैं जो AQNQ भी प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों ये जो लिस्ट है या ये जो टॉप 5 पंप्स हैं, ये एब्सोल्युटली मेरी तरफ से या हमारे टीम की तरफ से, हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉप 5 कंपनीज के पंप्स हमने डिसाइड किए हैं। अगर इसमें आपको लगता है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और भी हो सकते हैं जो टॉप 5 में हो, आप चाहते हैं कि उसको सजेस्ट कर सके तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो लिस्ट है इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। एज पर दोस्तों ये मेरी तरफ से या मेरी सुझाव की तरफ से ये टॉप 5 कंपनीज में आपको बताना चाहता था। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक का हमारा आईडी है facebook.com/reviewmaza, तो उस पर जाके प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।